बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा रायपुर के कोटा इलाके में प्रारंभ हो गई है। पहले ही दिन अपार भीड़ जुटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी खास तौर पर पधारे। इस भीड़ भरे कथा पंडाल में हुंकार भरते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब भारतवर्ष में हिंदुओं की ललकार होगी। आप याद रखना, वीरों की दहाड़ होगी, अब हिंदुओं की ललकार होगी। भक्ति बैठते ही परमात्मा हृदय में जागृत हो जाएंगे। अब अनाती में और दीप प्रज्वलित करने के लिए आप पधारे। पुष्पाधिवंदनम हरि ओम मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम जगेन जगमय राम राम करते रहो हरे रहो मन धीर कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यात प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यात। हमारे पूर्वज चिल्लाते चिल्लाते हमारे दादाजी मर गए, राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। और हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं छत्तीसगढ़ के लोगों, और तुम गर्व से कहोगे कि हम उस सदी में हुए थे जब प्रभु श्री राम का 500 वर्ष का विवाद हमारे सामने निपटा था और अयोध्या में राम लला विराजमान हुए थे। मेरे भारत के लोगों, बागेश्वर धाम की कथा के सुनने वाले पागलों, हम तुमसे एक प्रार्थना एक सूत्र, तुम्हारे दिमाग के तार खुल जाएंगे। मेरे पागलों, तुम रावण को मारने के लिए परेशान मत हो, अपने मन में राम को जगाने की तैयारी कर दो। राम जागेंगे, रावण अपने आप मर जाएगा। जैसे ऐसे समझो, अंधेरा है तो क्या अंधेरा भगाने के लिए अनशन करना पड़ेगा? बोलिए हाँ जी या ना जी। भयंकर अंधेरे को भगाने के लिए क्या अनशन करना चाहिए? अब तुम लेके बैठ जाओ लठ लाठी बका हसिया, अंधेरा मकान से भग जा तो क्या अंधेरा भागेगा? बोलिए हाँ जी या ना जी। अच्छा, अंधेरा को भगाना तो क्या करना? एक माचिस की तीली जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। वैसे ही रावण को मारने के लिए रावण को मारने का प्रयत्न क्यों करते हो? अपने हृदय में राम को जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा। आत्मा को देखना हो तो ज्ञान की जरूरत है। आत्मा को देखना हो किसकी जरूरत है? ज्ञान की। आत्मा को देखना है तो ज्ञान की जरूरत है, महात्मा को देखना है तो श्रद्धा की जरूरत है, लेकिन अगर तुम्हें परमात्मा को देखना है तो भक्ति की जरूरत है। भक्त के लक्षण क्या होते? एक संत कहते थे, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, न खुशी चाहते न हम गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो हम वही चाहते हैं। भगवान का भक्त तो जो चाहे वही कहता, हे प्रभु जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा। बोलो सीताराम। तो कल जब राम जी आए और पूरे भारत में दीपावली मनी, तब तो हमें एक गीत याद आया, कहो तो सुनावे। अरे आई आहा, राम जी जब प्रकट भए तब गीत याद आया, वहीं से हमने बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे बैठे गाया बहुत जोर जोर से। और आपको पता है, हमने कहा था कि हम ठुमका लगाएंगे, हमने ठुमका भी कल लगाया भैया, खूब आनंद, गीत बड़ा प्यारा। अरे आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते हंसते, बाहर भागर के आई बाहर
छुड़ा रही थी, तो आया कौन? हमने कहा सुनिए, परम अनूप आया त्रिभुवन का रूप आया, परम अनूप आया त्रिभुवन का रूप, परम अनूप आया त्रिभुवन का रूप आया, परम अनूप आया सुनिए। कल राम जी बैठे, आज उनसे आज से उनकी कथा प्रारंभ हो रही है। कल राम जी अयोध्या में बैठे, अब रायपुर की इस धरती पर राम जी की कथा हो रही। हम बिल्कुल गंभीरता के साथ हनुमान जी के चरणों में विनय करके कहते हैं, अब रायपुर में भी बहार आएगी भैया, छत्तीसगढ़ में भी बहार आएगी, चिंता मत करो। हमारा ननिहाल है, हम तब तक छत्तीसगढ़ आते रहेंगे जब तक सबके माथे पर राम मय टीका नहीं हो जाएगा। बैठ जाओ। बाबा कहते हैं तुलसीदास जी, भये प्रगट कृपाला दीन दयाल कौन सल्या कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट का मतलब अवतार। अच्छा, भगवान अवतार क्यों लेते? ध्यान देना, जो तपस्वी होता है, जो त्यागी होता, वो साधना के बल से राम जी तक पहुंच जाता, लेकिन हमारे जैसे जीव जो न भजन कर पाते हैं, न त्याग कर पाते, न तपस्या कर पाते, वो राम जी तक कैसे पहुंचे? तो भैया राम जी इतने सरल हैं कि राम जी कहते, भैया अगर तुम हम तक नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम स्वयं नारायण नर बन करके पृथ्वी पर आएंगे। वो नारायण नर बन करके आए, भये प्रगट कृपाला। सुनिए, आहा कौशल्या। और छत्तीसगढ़ के लोगों एक बात याद रखना, माई बाप राम जी कब प्रकट भए, राम जी का अवतार कब हुआ, जरा रामायण पढ़ना तो पहले चौपाई आती, वो स्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते, जब जब हो ये धर्म की सहित प्रभु श्री राम विविध रूप लेकर के इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं कि अनेक अवतार हैं। आहा, पूर्ण अवतार है भगवान का, अंशावतार है भगवान का, आवेशा अवतार है। और कल प्रभु श्री राम जो अयोध्या में प्रकट भय वर्ष से अत्याचार मच रहा था और अब राम जी से नहीं रहा गया, तो हम भक्तों की इतनी तीव्र परीक्षा लेने के बाद आखिरकार दुनिया का पहला ऐसा मामला है, मंदिर में राम लला आए हैं। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे प्रिय जनों मस्तक पर टीका लगाओ।